Hi everyone, my name is Savita. I'm a Reiki Grandmaster, Tarot Card Reader, Spiritual Life Coach and Spiritual Healer. Reiki से फीवर या पेन को कैसे रिड्यूस करें? अगर फीवर है तो कभी भी रेकी नहीं दी जाती है या किसी भी तरह की हीलिंग नहीं दी जाती है, सिर्फ ऑरा को क्लेंच किया जाता है। अगर आप फीवर में हीलिंग देते हैं तो फीवर बूस्ट कर जाता है एंड टेम्परेचर बढ़ सकता है, इसलिए हीलिंग नहीं दी जाती है। बहुत लोग के अंदर ये मिथ होता है और वो डायरेक्ट हीलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं फीवर में, और फीवर बढ़ जाता है जिससे उन्हें लगता है कि रेकी का ये गलत इम्पैक्ट है। बट ऐसा नहीं है। जब भी किसी को फीवर हो तो इसको रिड्यूस करने के लिए ऑरा को क्लेंज करना होता है। ऑरा को आप मैक्सिमम टाइम तक क्लेंज करिए। आप एक नमक का पानी का बॉल ले लीजिए और चारों तरफ से ऑरा को एंटी क्लॉकवाइज क्लेंज करिए। अगर आप लेवल वन प्रैक्टिसनर हैं तो ऑरा को कपिंग एंड कॉम्बिंग से करिए। कपिंग एंड कॉम्बिंग एक प्रोसेस होता है ऑरा क्लेंज करने का। अगर आप लेवल वन एंड टू के प्रैक्टिसनर हैं तो लॉन्ग चोकुरे का इस्तेमाल करिए। लॉन्ग चोकुरे चोकुरे की तरह सही होता है, बस इसमें 3.5 सर्कल ना बना के एक स्पायरल, लंबा स्पायरल बना दिया जाता है और उससे ऑरा की क्लिंजिंग की जाती है। इससे क्लिंज करने के लिए पहले आप अपने सामने से या जो भी पेशेंट है उसके सामने से आप 3 times, 4, 7 times, 9 times या 11 times ऑड नंबर में ही आपको क्लेंज करना है। एंटी क्लॉकवाइज ही आपको रोटेट करना है। तो पहले सामने से करिए, फिर लेफ्ट से करिए, देन बैक से, देन राइट से। इस तरह से ऑरा को हर साइड से आपको क्लेंज करना होगा। जब आप क्लीन करेंगे तो फीवर अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। इसी तरह से जब आप बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो तो वहाँ पर भी लॉन्ग चोकरे का ही इस्तेमाल किया जाता है। लॉन्ग चोकरे से आप ऑरा को पहले क्लिंज करिए एंड इस इंटेंशन के साथ करिए कि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे तक क्लीनिंग कर रहे हैं लॉन्ग चोकरे से, वैसे वैसे पेन रिड्यूस होता जा रहा है। उसके बाद आप हीलिंग देना स्टार्ट करिए। हीलिंग के लिए आप शामिन सिंबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शामिन के अलावा मोटर जेनन सिंबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मोटर जेनन सिंबल को बहुत ज़्यादा पेन के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरह से जोनार सिंबल का भी यूज़ किया जाता है अगर पेन बहुत ज़्यादा हो या सेलुलर लेवल पर हीलिंग करनी है। तो 2-3 सिंबल्स ऐसे होते हैं जिनको पेन के लिए यूज़ किया जाता है। इन्हें आप चोकोरे सहकी हौंसा जेशोनिन डाइकोमियो के साथ भी यूज कर सकते हैं, या फिर चोकोरे एंड सहकी के साथ भी इन सिंबल्स का यूज कर सकते हैं। सामिन सिंबल को आप किसी भी पेन के लिए यूज कर सकते हैं, एंड अगर पेन बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे मोटर जेनन सिंबल का यूज़ करिए। और इन सिंबल के साथ आप अगर जोनार सिंबल यूज़ करते हैं तो जोनार सिंबल कहीं भी अगर बहुत डीपर लेवल पर हीलिंग करनी हो, सेलुलर लेवल पर हीलिंग करनी हो, तो जोनार सिंबल का भी इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से आप इन तीनों सिंबल के साथ पेन को रिड्यूस कर सकते हैं थ्रू रेकी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इस तरह की रेकी एंड और हीलिंग के बारे में जानने के लिए बने रहें मेरे वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद।